एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम अपने जो अपना सेकंड पेपर है बीए फर्स्ट ईयर का राजस्थान का भूगोल, उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले राजस्थान के भूगोल में सबसे पहला हमारा चैप्टर है भौतिक विभाजन, उसके हम शुरुआत करते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि राजस्थान को भौतिक आधार पर मुख्य रूप से चार भागों में विभक्त किया गया है। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा है हाड़ौती का पठार। इस प्रकार से राजस्थान को पूरे भौतिक विभाजन के आधार पर चार भागों में विभक्त किया गया है। और पहला हमारा जो प्रकार है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, इसको पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है शुष्क मरुस्थल, दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थल, ठीक है। और फिर शुष्क जो मरुस्थल है उसको भी पुनः दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला है बालुका स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, पहला बालुका स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, मतलब उस मरुस्थलीय प्रदेश में जहाँ पे बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं, और दूसरा प्रदेश वो है जहाँ पे बालुका स्तूप पाए जाते हैं। फिर अगला जो प्रकार है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी चार भागों में विभक्त किया गया है। पहला है घग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावाटी का अंतःप्रवाही क्षेत्र, तीसरा है नागौर का पठार और चौथा है लूणी बेसिन, ठीक है। तो इस प्रकार से अर्धशुष्क जो मरुस्थल है उसको भी चार भागों में विभक्त किया गया है। तो यह गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा जो पार्ट है वो है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। जो मध्यवर्ती जो अरावली प्रदेश है उसको भी पुनः तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला है उत्तर उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली और तीसरा है दक्षिणी अरावली, ठीक है। उसके बाद अगला प्रदेश है पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है माही का मैदान, दूसरा है बनास नदी का मैदान और चौथा है और तीसरा है भरतपुर का मैदान। इस प्रकार से पूर्वी मैदान को भी तीन भागों में विभक्त किया गया है। उसके बाद ये अगला प्रदेश है हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती का जो पठार है उसको भी पांच भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ। जो हाड़ौती के पठार में जहाँ पे अर्धचंद्राकार जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है वह भाग है अर्धचंद्राकार श्रेणियाँ। उसके बाद है नदी मैदान। हाड़ौती के पठार में जहाँ नदियाँ प्रवाहित होती है वह क्षेत्र है नदी मैदान। उसके बाद है शाहबाद उच्च क्षेत्र, उसके बाद झालावाड़ का पठार और डग गंगधार उच्च क्षेत्र। इस प्रकार से हाड़ौती के पठार को भी पांच भागों में विभक्त किया गया है। तो यह है आपका पूरा राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण। तो आप इस पूरे चार्ट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम आज सबसे पहले हमारा जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और हमारे मध्यवर्ती अरावली और जो पूर्वी मैदान है उसके बारे में हमने पहले की वीडियो में पढ़ रखे हैं, और आज हम जो पश्चिमी जो अरावली प्रदेश है उसके बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आप सभी को पता है कि राजस्थान के जो पश्चिम में जो पूरा मरुस्थलीय प्रदेश है उस मरुस्थलीय प्रदेश में थार के मरुस्थल का विस्तार है, और इस पश्चिम में जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है जो पश्चिमी मरुस्थलीय जो पूरा है जो शुष्क मरुस्थल है, और दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। तो देखिए हम इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। तो देखिए जो यह जो मरुस्थलीय जो प्रदेश है पश्चिम का, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विश्व के जो भी मरुस्थल है उनमें सर्वाधिक जो सघन जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वो पश्चिम मरुस्थली है। राजस्थान का जो मरुस्थल है वही है। इसी थार के मरुस्थल में जो सभी मरुस्थलों में हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या थार के मरुस्थल में ही निवास करती है। और इसके बारे में डॉक्टर जो ईश्वरी प्रसाद है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस मरुस्थल के लिए रुक्ष क्षेत्र का प्रयोग किया था। रुक्ष क्षेत्र का डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने किसने कहा था? रुक्ष क्षेत्र डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने
थार के मरुस्थल के लिए रुक्ष क्षेत्र का शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और इसके जो थार का जो मरुस्थल है उसके संपूर्ण क्षेत्र में बालू के बड़े बड़े जो रेत के टीले हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो पाए जाने वाले जो बालू के टीले हैं उनको तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहले हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, दूसरे हैं अनुप्रस्थ और तीसरे हैं बरखान बालू के स्तूप। यहाँ पे जो पाए जाने वाले जो बालू के स्तूप है या फिर बालू के टीले हैं, बालू के स्तूप को मतलब तीन प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ पहले हैं अनुदैर्ध्य, दूसरे अनुप्रस्थ और तीसरे हैं बरखान बालू का स्तूप। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले जो बालू के स्तूप है या फिर बालू के जो टीले हैं वो तीन प्रकार के मिलते हैं। पहले है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, दूसरे हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और तीसरे हैं बरखान बालू का स्तूप। तो पहले हम देखते हैं जो अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है वो किस प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, ये जो अनुप्रस्थ जो अनुदैर्ध्य जो बालू के स्तूप होते हैं वो हवा के समानांतर, ये किस प्रकार के बनते हैं, ये हवा के बिल्कुल समानांतर दिशा में बनते हैं। जिस दिशा में हवा बहती है उसी दिशा में इनका निर्माण होता है, हवा के समानांतर इनका निर्माण होता है और अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है इनका निर्माण होता है हवा के लंबवत रूप में, लंबवत या क्षितिज रूप से इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है, ये जो बालू का स्तूप है वो हवा की दिशा में हवा के समानांतर बनने वाले टीले हैं और ये विशेष रूप से गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर में पाए जाते हैं। ये जो अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है वो हवा के दिशा के समानांतर बनते हैं और ये राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर में, ये तीन जगहों पर ये टीले पाए जाते हैं। उसके बाद है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखिए, अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है इनका निर्माण होता है हवा के लंबवत और ये जो विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में, विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र में ये अनुप्रस्थ जो बालू के स्तूप हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। और बरखान जो बालू के स्तूप हैं इनकी आकृति होती है अर्धचंद्राकार। बरखान बालू के स्तूप की आकृति कैसी होती है, अर्धचंद्राकार रूप में इनका निर्माण होता है। जिन्हें अर्धचंद्राकार जो बालू के स्तूप के जो टीले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बरखान कहा जाता है, ठीक है। ये आपके जो अतिलघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है उनमें का पूछा जा सकता है कि अर्धचंद्राकार आकृति वाले बालू के स्तूप को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, बरखान बालू का स्तूप, ठीक है। और ये जो बालू का स्तूप विशेष रूप से शेखावाटी में पाए जाते हैं, बरखान में शेखावाटी में पाए जाते हैं। और बरखान प्रकार के जो ये टीले हैं वो सर्वाधिक अस्थिर और सर्वाधिक नुकसानदायक ये टीले ही होते हैं, ठीक है। तो ये है तीन प्रकार के बालू का स्तूप। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं जो पश्चिमी जो मरुस्थल है उसका। तो पश्चिम मरुस्थल को हम पहले मैंने बताया कि इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, तो पहले हम शुष्क मरुस्थल के बारे में देखते हैं। देखिए, इस पश्चिमी रेगिस्तान का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है जिसको जो जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है, मतलब 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं, मतलब 10 से लेके और 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है जिस क्षेत्र को हम कहते हैं पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, जहाँ पे वर्षा न्यून होती है, ठीक है। और जो मिट्टी है यहाँ की तो बिल्कुल रेतीली है, बिल्कुल इसमें यह है बिल्कुल भी अनुपजाऊ मृदा यहाँ नहीं पाई जाती है। और इस अनुपजाऊ मृदा में, इस भूरी रेतीली मृदा में विशेष रूप से जो कंटीली झाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी जो घास है, इनका इसी प्रकार की जो वनस्पति है उसका विकास होता है, ठीक है। तो शुष्क मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है बालू का स्तूप और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। पहला बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो
शुष्क मरुस्थल का वह भाग जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं वह है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और जहाँ पे पश्चिम मरुस्थल का वह भाग जहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं वह है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो जैसलमेर का जो शहर है, तो जैसलमेर के शहर के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं तो वह है हमारा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कौन सा है? जैसलमेर का प्रदेश। जैसलमेर का जो चारों ओर का जो प्रदेश है वहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, और नहीं पाए जाने का कारण ये है कि वहाँ पे चट्टानें पाई जाती है, उस प्रदेश में चट्टानें पाई जाती है, और चट्टान जो प्लेस्टोसिन काल की जो चट्टानें हैं वो उसमें पाई जाती है, और इन चट्टानों में वनस्पति के और जो अन्य जीव हैं उनके अवशेष मिले हैं, और तो चट्टानें पाए जाने के कारण से उस प्रदेश में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, और उस क्षेत्र को कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रदेश है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जिस प्रदेश में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और मरुस्थल का जो शेष जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर शेष मरुस्थल का जो पूरा भाग है, शुष्क मरुस्थल का जो पूरा भाग है उसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो वह है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और इसका जो विस्तार है वो कच्छ की खाड़ी से लेकर पाकिस्तान के सारे पंजाब तक बालू का स्तूप का जो आवरण है वहाँ पे सभी क्षेत्र को बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रदेश है मरुस्थल का वो है शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा पार्ट है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए, जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पे वर्षा का औसत स्तर मिलता था 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे कम, और अर्ध शुष्क क्षेत्र में 25 से लेकर और 50 सेंटीमीटर तक वर्षा का स्तर औसत स्तर मिलता है। जिस क्षेत्र में अर्ध शुष्क मरुस्थल में वर्षा का औसत स्तर है 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक, ठीक है, उसको भी चार भागों में बांटा गया है। पहला है घग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावटी का अंतर्प्रवाही क्षेत्र, तीसरा नागौर का मैदान, नागौर का पठार, और चौथा लूणी बेसिन। तो इसमें पहला जो प्रकार है वो है घग्गर का मैदान। तो घग्गर के मैदान में देखते हैं घग्गर का मैदान, तो यह घग्गर का जो मैदान है वह घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है, और इस मैदान में जो विशेष रूप से यहाँ की जो मूल मृदा थी शुष्क मृदा, उस शुष्क मृदा में घग्गर नदी के द्वारा बहा कर लाई गई जलोढ़ मृदा का विस्तार किया गया है। इस प्रकार से इस क्षेत्र में शुष्क मृदा जो रेतीली मृदा और जलोढ़ मृदा दोनों का विस्तार इस मैदान में पाया जाता है, और इस मैदान को स्थानीय भाषा में बग्गी कहा जाता है। घग्गर के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बग्गी। ठीक है, घग्गर के मैदान को स्थानीय भाषा में बग्गी कहा जाता है, और इसे यहाँ की जो मृदा है इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता है, इसीलिए यह जो मृदा है वो यहाँ की जो मृदा है वो उपजाऊ है, और इसी उपजाऊ मृदा में गंगानगर और हनुमानगढ़ में कपास की कृषि की जाती है। ठीक है, यह हमारा घग्गर का मैदान। उसके बाद अगला है शेखावाटी का अंतर्प्रवाही क्षेत्र, दूसरा है शेखावाटी का अंतःप्रवाही क्षेत्र। तो देखिए, अगला प्रकार हमारा शेखावाटी का अंतःप्रवाही क्षेत्र है। तो देखिए, इसका जो विस्तार है शेखावाटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र का विस्तार विशेष रूप से शेखावाटी में है, सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन तीन राज्यों में इस प्रदेश का विस्तार है। और इसमें क्या है कि इसमें इसकी जो ज़मीन है, इस शेखावाटी प्रदेश की जो ज़मीन है उसके नीचे चूने की परत पाई जाती है, और यहाँ पे जो प्रवाहित होने वाला जो जल है वो इसकी ऊपरी सतह पर प्रवाहित न होकर इसकी जो अंदर की जो सतह है चूने की जो परत है उसके ऊपर प्रवाहित होता है यहाँ का जल, और इसीलिए इस प्रदेश को अंतःप्रवाही प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ का जो शेखावाटी का जो प्रदेश है इसमें विशेष रूप से जो चूरू है, चूरू में ही सर्वाधिक ठंड पड़ती है और चूरू में ही सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पे जो नीचे जो पाई जाती है जो चूने की परत है, यहाँ के धरातल के नीचे पाए जाने वाली जो चूने की परत है, उस चूने की परत के कारण से यहाँ सर्वाधिक ठंड भी पड़ती है और सर्वाधिक गर्मी भी इसी प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें अगला जो प्रदेश है वो है नागौर का पठार। अगला है नागौर का पठार। नागौर का पठार, देखिए नागौर का जो पठार है
उसमें सर्वाधिक मात्रा में नमक की मात्रा पाई जाती है। नागौर के पठार में सर्वाधिक रूप से नमक और क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और नमक की जो मात्रा यहाँ सर्वाधिक पाई जाती है, इसी कारण से यहाँ पे जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाले झीलें हैं वो खारे पानी की होती हैं, ठीक है। मतलब नमक की मात्रा इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे जो पाए जाने वाले जो खारे पानी की जो झीलें हैं विशेष रूप से खारी होती है। और यहाँ पे क्लोराइड की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं रहने वाले जो लोग उनमें क्लोरोसिस जो रोग है वह पैदा हो जाता है फ्लोराइड की मात्रा के कारण से। फ्लोरोसिस रोग नामक रोग ये इनकी यहाँ पर रहने वाले लोगों में हो जाता है। और इस फ्लोरोसिस रोग में क्या होता है कि यहाँ के जो दांत है दांतों का रंग थोड़े दांत पीले पड़ जाते हैं, और इस कारण से भी यहाँ पे हड्डियाँ भी गलने लगती है फ्लोराइड की मात्रा के कारण से। फिर उसके बाद देखें तो इसके कारण से इस क्षेत्र में कुबड़ की समस्या पाई जाती है। फ्लोराइड की समस्या के कारण ही इस क्षेत्र में कुबड़ की समस्या पाई जाती है, और कुबड़ की समस्या के कारण ही इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। नागौर का जो पठार है उसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुबड़ की समस्या पाई जाती है फ्लोराइड के कारण से। यहाँ के जल में फ्लोराइड के कारण से कुबड़ की समस्या हो जाती है, जिससे इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है नागौर के पठार को, ठीक है। और यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाने जो झीलें हैं वह झीलें विशेष रूप से खारी होती है, क्योंकि यहाँ पे नमक की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो प्रदेश है वो है लूणी बेसिन। और देखिए लूणी बेसिन का जो निर्माण है विशेष रूप से लूणी नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। लूणी नदी है और इसके अलावा इसके जो सभी सहायक नदियां हैं जैसे जोजरी, मिठड़ी, सुकड़ी, बांडी, जवाई, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां, जोजरी, मिठड़ी, जवाई, बांडी, खारी, इन नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है, ठीक है, लूणी बेसिन का। और इस लूणी बेसिन का जो मैदान है वहाँ पे इस मैदान में जब वर्षा काल में अधिक मात्रा में जब वर्षा होती है तो इस समय यहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है। और ये इस मैदान का जो विस्तार है, इस मैदान में लूणी नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जो जलोढ़ मृदा है उसका विस्तार किया गया है, इसलिए यह जो यह भी मैदान है जलोढ़ मृदा के द्वारा निर्मित किया गया मैदान है और यहाँ पर कृषि की अधिक मात्रा में संभावनाएँ हैं, ठीक है। तो ये है हमारा लूणी बेसिन का मैदान। तो आज के वीडियो में हमारे जो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और विशेष रूप से जो भौगोलिक विभाजन है उसका भी हमने एक चार्ट बना के पढ़ा था, तो आप उस चार्ट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और पहला जो भौतिक प्रदेश है मरुस्थलीय प्रदेश उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।